ये सब कुछ शुरू हुआ जब उस दिन वो छोटी सी टेबल मैं मिनी के पढ़ने के लिए लेकर आया। मिनी शाम के वक्त कोचिंग से लौटी तो बेहद खुश हुई नई चेयर और टेबल पाकर। जल्दी से खाना खाकर पढ़ने बैठ गई और कुछ देर तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ, मिनी पढ़ते पढ़ते चीखी और फिर उसे जैसे दौरा पड़ने लगा। बुरी तरह से वो फर्श पर तड़पने लगी। मैं और नीति तो मिनी का ऐसा हाल देखकर घबरा ही गए थे बुरी तरह से। मिनी को कभी कोई सेहत की दिक्कत नहीं रही थी, नीति उसका बहुत ख्याल रखती थी, वक्त पे खाना पीना और वो भी अच्छा खाना पीना, फल वगैरह और खेलकूद सभी कुछ बहुत अच्छे से देखती थी नीति। लेकिन आज अचानक ये कैसे हुआ? मैंने तड़पती हुई अपनी बेटी मिनी को किसी तरह संभालने की कोशिश की तो मिनी जैसे एकदम अचानक ही शांत पड़ गई। इतनी आसानी से ऐसे शांत हो गई तो मैं और नीति और ज्यादा घबरा गए। जब गौर से देखा तो मिनी की सांसें भी चल रही थी और नब्ज भी ठीक थी। मिनी को मैंने उसके कमरे में लिटा दिया और नीति को मिनी के पास छोड़कर अपना बॉक्स लेने कमरे में आया। मैं पेशे से डॉक्टर हूं, मेरा नाम ओम है। बॉक्स लेकर मिनी के पास पहुंचा तो पूरा चेकअप किया, मिनी पूरी तरह से ठीक थी। सोचा कल एक बार हॉस्पिटल ले जाऊंगा चेकअप करवाने कि अंदरूनी कोई दिक्कत तो नहीं कहीं। रात को जब नीति और मैं सो रहे थे तो मेरी नींद खुली, मैं बाथरूम गया और फिर जब कमरे की तरफ लौट रहा था तो अचानक ही लकड़ी के सरकने की आवाज घर के अंदर से आई, वो भी सुबह के 3 बजे। मैंने तुरंत लिविंग रूम की लाइट जलाई तो मेरी रगों में दौड़ता खून जम गया। मिनी मेरी आंखों के सामने अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपनी पढ़ाई की चेयर और टेबल घसीटती हुई अपने कमरे से बाहर लिविंग रूम में ला रही थी। मैं तो ऐसा हैरान हुआ कि देखता ही रह गया, हिलने की भी सुध-बुध नहीं थी मेरे अंदर। मेरे देखते ही देखते मिनी ने चेयर टेबल खिड़की के पास लगाई और किताब खोलकर रट्टा मारने लगी। अब मुझे और हैरानी हुई क्योंकि जहां वो बैठी पढ़ रही थी वहां बिल्कुल अंधेरा था और मिनी ने चश्मा भी नहीं पहना था। मैं मिनी के पास पहुंचा और झांक कर देखा तो मेरी नींद ही उड़ गई। मिनी उस अंधेरे में अपनी -5 जैसी कमजोर आंखों से इतनी हल्की रोशनी में जल्दी जल्दी बिल्कुल साफ साफ बिना रुके हुए किताब में जो जो लिखा था वो पढ़े जा रही थी। मैंने मिनी के कंधे पर हाथ रखा और उसे पुकारा, मिनी बेटा आप ठीक तो हो? मिनी एक पल को रुकी और फिर बिना मेरी ओर पलटे ही दोबारा पूरे ध्यान से पढ़ने लगी। मैं अबकी बार सामने गया और झुककर मिनी को देखते हुए बोला, मिनी बेटा क्या हुआ, तबीयत ठीक तो है ना तुम्हारी? मिनी का बोलना एक पल को रुक गया, भारी और गहरी गुस्से भरी सांसें लेने लगी वो और सर उठाकर मेरी ओर गुस्से से बहुत ही भारी और अजीब सी आवाज में वो जोर से चिल्लाई, चले जाओ यहां से, पढ़ने दो मुझे वरना मार डालूंगी। मैंने ये सुना तो जैसे नसें भी मेरी जम सी गई थी। मेरे लिए समझना मुश्किल था कि आखिर ये हुआ क्या। मैंने घबराहट में जो कभी नहीं किया था वो कर डाला। मैंने मिनी को थप्पड़ मार दिया
और मिनी बेहोश होकर गिर पड़ी, जब पीछे से एक अजीब सी आवाज ने कहा, क्या डॉक्टर साहेब, बच्चे को कोई ऐसे मारता है क्या? मेरा जीना ही जैसे दुश्वार हो गया था कुछ ही मिनटों में। पसीने से तर बतर में पीछे पलटा तो देखा नीति खड़ी थी, और थोड़ी देर पहले जैसी भारी सांसें मिनी ले रही थी वैसी सांसें लेती हुई मुझे बड़ी घिनौनी आंखों से देख रही थी, जैसे पता नहीं कितनी ही नफरत थी मुझसे उसे। मैं उसे किसी बुत की तरह देखता ही रह गया, हिलना डुलना तो दूर, कुछ बोल भी नहीं पाया। नीति धीरे धीरे मेरे पास आई और देखते देखते फिर मिनी के पास, और उसे गोद में उठाया और एक बड़ी प्यारी सी धुन गुनगुनाती हुई मिनी को गोद में उठाए हुए मिनी के कमरे में ले गई, और कमरे में घुसते के साथ ही पलटकर मुझे गुस्से भरी आंखों से देखा और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। मैं समझ गया कि वो मिनी की सेहत को लेकर परेशान थी, वरना नीति तो हमेशा बहुत ही सुलझी हुई रहने वालों में से है। बस एक ही बात खटक रही थी मुझे, और वो थी वो आवाज। मैं अपने कमरे में जाकर सो गया। सवेरे सवेरे उठा तो देखा मिनी स्कूल जा चुकी थी और नीति किचन में थी। मैं पेपर देखने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठा तो नीति मुझे कॉफी देते हुए बोली। मैं नीति को रात के बारे में बोलने ही वाला था जब वो अचानक ही बोली, अच्छा ये बताओ, रात को मैं मिनी के कमरे में कब गई? आई डोंट रिमेम्बर अ थिंग, अजीब बात है। मुझे लगा कुछ गलत है कहीं, तो फिलहाल मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। मैंने हॉस्पिटल से छुट्टी ली और आज घर पर ही रहा। दोपहर को मिनी को स्कूल से लेने गया तो मुझे देखते ही खुशी से वो उछल पड़ी। सारे रास्ते पूरे दिन की बातें चहक चहक के सुनाती रही। मैं भी खुशी था कि कोई घबराने की बात तो नहीं लग रही थी। अब घर पहुंचकर हम सबने खाना खाया और थोड़ी देर आराम करके मिनी कपड़े बदलकर कोचिंग जाने को तैयार हुई तो खुद ही बोली कि आज डिनर बाहर खाने का दिल है उसका। मैंने भी नीति को देखा तो उसने भी मुस्कुराकर हामी भरी। शाम हुई, मिनी लौटी और लौटकर सीधे अपने कमरे में चली गई, और दरवाजा बंद करके उसने अंदर से कुंडी लगा दी, और जरा सी खटर पटर के बाद एक बार फिर से कमरे के अंदर से पढ़ने की आवाजें आने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे शायद कोचिंग में किसने कुछ कहा है जिसकी वजह से वो ऐसे कर रही थी। मैंने कमरे का दरवाजा खटखटाया और कहा, मिनी बेटा क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, किसी ने कुछ कहा क्या आपको? मिनी के कमरे के अंदर से सिर्फ एक आवाज आई, उसी आवाज में जो कल रात भी मैंने सुनी थी, चले जाओ यहां से, पढ़ने दो मुझे। बस अब बहुत हो गया था मेरे लिए। मैंने दरवाजा खटखटाते हुए चिल्लाना शुरू किया, मिनी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो मिनी, बहुत हुआ नाटक, खोलो दरवाजा। मैं खटखटाता रहा, लेकिन इसके बाद ना तो मिनी ही कुछ बोली और ना ही दरवाजा खोला, बल्कि नीति, मेरी बीवी जो मेरे पीछे इतनी देर से परेशान खड़ी थी मिनी के लिए, वो एक बार फिर से रात की ही जैसी अजीब सी आवाज में बोली, उसे परेशान मत करो, छोड़ दो उसे, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं वैसे ही परेशान था, इस बात पर मुझे गुस्सा आ गया और मैं जोर से चिल्लाया, नीति तुम दोनों को हुआ क्या है, कोई बताएगा मुझे? नीति की आंखों में जैसे खून उतर आया था मेरी बात सुनकर। उसने सामने रखा स्टूल उठाया और फेंक कर मेरी ओर मारा। वो स्टूल छोटा था पर बिल्कुल
ठोस लकड़ी का होने की वजह से काफी भारी था। मैं बिल्कुल सही वक्त पर हट गया, इसलिए बच गया। और उसके बाद मैं जोर से नीति पर चिल्लाया, पागल हो गई हो क्या नीति? क्या कर रही हो तुम दोनों मिलकर? नीति की आंखें बिल्कुल उलट गई और अचानक से इस बार मिनी के ही जैसा दौरा उसे पड़ने लगा। उसकी ओर दौड़कर मैंने बड़ी मुश्किल से उसे संभाला तो मेरी आंखों के सामने मिनी के कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज हुई तो मैं उस ओर पलटा और मैंने जो देखा उसने मेरी आंखें घबराहट से पथरा दी। दरवाजा अपने आप खुला। वो स्टूल जो नीति अकेले उठा नहीं पाती थी और अभी मुझ पर उठाकर फेंका था उसने, वो अपने आप उस कमरे में घिसटता हुआ चला गया और उसके बाद दरवाजा अपने आप जोर की आवाज के साथ बंद हुआ। मैं बस देखता ही रह गया। जिंदगी में कभी किसी ऐसी चीज पर यकीन नहीं किया, लेकिन अपनी आंखों के सामने ऐसी चीजें देखकर कुछ नकार भी नहीं सकता था। मैं मिनी के कमरे की ओर जब दौड़ा और लगातार खटखटाते हुए चिल्लाया, मिनी बेटा दरवाजा खोलो बेटा, मिनी प्लीज दरवाजा खोलो बेटा, मिनी बेटा। मैं चिल्लाए जा रहा था, दरवाजा खोलो बेटा, कि मुझे कमरे के अंदर से एक आवाज सुनाई दी। मिनी के चीखने की आवाज हुई और कांच टूटने की आवाज से ही मैं समझ चुका था कि खिड़की टूटी है। दरवाजा तोड़ने का टाइम नहीं था। मैं तुरंत बाहर भागा और खिड़की की ओर पहुंचा तो जाके देखा कि कमरा पूरी तरह से खाली था। पूरा कांच ऐसे टूटा था जैसे बहुत बड़ी किसी चीज से तोड़ा गया हो। मिनी अंदर नहीं थी। मैंने इधर उधर देखना शुरू किया तो कुछ ही दूर लॉन के पास घास पर वही स्टडी टेबल घसीटती हुई मिनी उसे कहीं ले जा रही थी। मैं अंदर बेहोश पड़ी नीति के बारे में पूरी तरह से भूल गया था बाहर का ये नजारा देखकर। लेकिन मेरी ये फिक्र दूर हो गई जब मिनी गेट के पास वाली लाइट के नीचे टेबल लगाकर बैठी और पढ़ने लगी। मैं मिनी के पास जाने लगा तो मेरे पीछे से घास पर कदमों की आहट सी सुनाई दी। मैं पलटा तो देखा नीति हाथ में प्लेट लिए आ रही थी। उसने प्लेट मिनी के पास रखी और कहा, तू पढ़, मैं देखती हूं ये तुझे कैसे रुकता है। नीति ने इतना कहा और फिर वो मेरी ओर हाथ में एक छुरा लिए चीखते हुए दौड़ी। मैं मूर्ति की तरह वहीं जमा रह गया और दो कदम पीछे हटने को हुआ तो पैर किसी चीज से लड़े तो मैं वहीं जमीन पर गिर गया। और किस्मत से नीति उसी वक्त पास आई तो वो भी गिरी और उसका सर पत्थर पर लगा और वो बेहोश हो गई। मैं एक पल को नीति को देखता ही रह गया और फिर पलटकर मैंने मिनी को देखा तो वो बैठी रो रही थी। नीति की ओर नजरें गड़ाए हुए वो बस उसे देखते ही जा रही थी और रोए जा रही थी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि करूं तो आखिर करूं क्या। ये सब तो मेरी समझ बूझ के परे था। मैं मिनी को देखता हुआ उसकी ओर जा रहा था धीमे कदमों से और फिर मिनी के सर पे बहुत प्यार से हाथ पर फेर कर कहा, क्या हुआ बेटा, मुझसे क्या गलती हो गई, क्या कमी रह गई मुझसे, ये सब क्या हो रहा है मिनी, ये सब क्या हो रहा है। मिनी उसके बाद जो कुछ भी बोली वो सब सुनकर यकीन नहीं हुआ कि इंसान ऐसा भी हो सकता है। हम जयपुर में रहते हैं। यहां से करीबन कुछ किलोमीटर दूर एक गांव में रहने वाले एक परिवार में एक आदमी बंसीलाल, उसकी बीवी
सुमन देवी और बेटी रुक्मणी थे। बंसीलाल हमेशा शराब पर पैसे उड़ा देता। अपनी बदतमीजी और शराब के चलते उसकी कोई भी नौकरी कभी न टिकती थी। आलम ऐसा हुआ कि उसको कहीं नौकरी मिलनी भी बंद हो गई और फिर उसने पैसे के लिए सुमन को वो मासूम रोती रही कि उसे पढ़ना है लेकिन उसके जल्लाद बाप ने एक न सुनी और उसे घसीट कर बाजार में बेच आए। वो रुक्मणी की चीखें गूंजती रही, उसका बाप शराब पीता रहा। सुबह रुक्मणी को घर के दरवाजे पर फेंक कर चले गए तो सुमन लाल को जहर देते देते रुक गई और खटिया से बांधकर उस पर केरोसिन तेल डालकर उसे जिंदा जला दिया। खुद भी जहर खाकर मर गई। ये वही टेबल थी जो कई जगहों से खरीद फरोख्त के बाद मेरे पास में पहुंची थी। देखने में थोड़ी एंटीक किस्म की थी, तो मुझे बहुत पसंद आई थी। मुझे क्या पता था कि इस टेबल की वजह से मुझे दुनिया का एक ऐसा रूप भी देखने को मिलेगा। ये पूरी कहानी बताने के बाद मिनी भी वहीं गिरकर बेहोश हो गई। मैंने उसी हालत में अपनी बेटी मिनी और बीवी नीति दोनों को हॉस्पिटलाइज कराया और अगली सुबह उस चेयर टेबल को मैंने दूर फेंक दिया। उस दिन के बाद से मेरे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन आज भी जब कोई नई चीज लाता हूं तो कुछ दिनों तक घबराहट अभी भी रहती है और चिंता सिर्फ एक बात की होती है कि वो टेबल अब इस वक्त किसके पास होगी और जिसके पास भी होगी उसका परिवार न जाने किन किन चीजों से गुजर रहा होगा। बस खुशी इस बात की है मैं और मेरा छोटा सा परिवार आज उस टेबल के बिना बहुत खुश है।